शाओमी हाइपरस के यार काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिनको शाओमी ने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्वार्टर टू का जो रोल आउट है वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए अपडेट्स कंटिन्यू शाओमी रिलीज कर रहा है जिनको आप डाउनलोड करके भी फ्लैश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर टू के जो फाइनल अपडेट्स हैं मई और जून के वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले, जिसमें रेडमी 10 सीरीज़ है, रेडमी K50i सीरीज़ है, देन इसके साथ और भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जिनको अभी तक अपडेट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन डिवाइसेस के हाइपरस के अपडेट्स आपको कब तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो रोल आउट है वो Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है और काफी सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनके अपडेट्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं जिनको आप डाउनलोड करके भी फ्लैश कर सकते हो। और यहां पर जो डिवाइस रह गए हैं उनको मई से लेकर जून के बीच में, यानी कि क्वार्टर जो टू है वो यहां पर खत्म होने वाला है जून में, तो उससे पहले यहां पर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यहां पर डिवाइस रह गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली यहां पर कौन कौन से डिवाइसेस के लिए अपडेट्स आने वाले हैं जिनको आप डाउनलोड यहां से करके भी फ्लैश कर पाओगे। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइस अगर यहां पर मैं अपडेट्स की बात करूं हाइपरस के, तो इसका जो रोल आउट है वो इंडिया डिवाइसेस के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया का जो शेड्यूल है वो यहां पर Xiaomi ने ऑलरेडी रिलीज किया था, जिसमें बताया था कि भाई हम काफी सारे डिवाइसेस को यहां पर अपडेट्स देने वाले हैं जिनको ऑलरेडी Xiaomi ने काफी सारे डिवाइसेस को रिलीज भी यहां पर कर दिया है। जिसमें आप देखोगे यहां पर अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं जिनको सबसे पहले यहां पर अपडेट्स मिला था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर अपडेट जो वो रिलीज किए गए हैं, इसमें आप देखोगे Xiaomi जो 13 Pro है वो आपको मिला था सबसे पहले, Xiaomi 12 है, Pad 6 है, Redmi 12 जो 5G मॉडल है, Redmi 12C है और यहां पर Redmi 11 Prime है, Pad 5 है। उसके बाद यहां पर मार्च के अंदर जो वो Xiaomi 12 Pro और उसके बाद Redmi Note 12 जो 5G मॉडल है और उसके साथ यहां पर Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, इन डिवाइसेस को ऑलरेडी यहां पर अपडेट मिल चुके हैं। और उसके साथ Xiaomi ने यहाँ पर क्वार्टर 2024 के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस को रखा था जिनको अपडेट यहाँ पर देखने को मिले, इसमें आप देखोगे यहाँ से Xiaomi 11 Ultra है, Xiaomi 11T Pro है, Xiaomi का जो Mi 11X है इसको ऑलरेडी मिल गया है, Xiaomi 11i 11i हाइपर चार्ज है, उसके साथ Xiaomi 11 Lite है और Xiaomi 11 है और उसके साथ Pad सीरीज के भी काफी सारे मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिले थे। अब यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर अभी आप देखोगे अप्रैल मई और जून के जो क्वार्टर 2 चल रहा है वो यहाँ पर जून तक चलेगा और जून से पहले ही काफी सारे ऐसे डिवाइस है जिनको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन से डिवाइस हैं जिनको यहां पर मई और जून के बीच में ही अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, इसमें आप देखोगे Xiaomi 11 Ultra है, Xiaomi 11T Pro है और इसको ऑलरेडी अपडेट मिल गया, Xiaomi 11 Ultra को नहीं मिला है, Xiaomi 11X जो है इसको भी ऑलरेडी यहां पर अपडेट मिल गया है, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज इसको भी अपडेट मिल गया है, Xiaomi 11 Lite एनी जो 5G मॉडल इसका भी रोल आउट यहां पर हो गया है और यहां पर Xiaomi 11i है इसको भी काफी सारे अपडेट्स ऑलरेडी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, Xiaomi 10 है, Xiaomi Pad 5 है और यहां पर Redmi K50i है इसको ऑलरेडी अभी अपडेट नहीं मिला, जिसके बारे में आपको बताऊंगा इसको अपडेट कब तक मिलेगा क्योंकि इसको ऑलरेडी Xiaomi ने इसका रोल आउट जो स्टार्ट कर दिया है। Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50i जो गेमिंग एडिशन है इसको अपडेट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं और यहाँ पर Redmi 13C सीरीज में Redmi 13C है और उसके साथ Redmi 13 है और यहाँ पर जो इसका रीनेम वर्जन है Poco C65 उसको भी ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट मिल गया है। Redmi 12 की मैं बात करूं तो इसका भी रोल आउट स्टार्ट ऑलरेडी, इसको भी फर्स्ट और सेकंड अपडेट यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। देन यहाँ पर आप देखोगे Redmi 11 Prime जो 5G मॉडल इसको भी ऑलरेडी मिल गया है, Redmi Note 11 सीरीज जो है इसको भी ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट मिल गया है। लेकिन अभी कौन कौन से डिवाइसेस का यहाँ पर अपडेट रह गया है तो आप यहाँ से देखोगे Xiaomi का जो हाइपरस है उसका सेकंड बैच के और यहाँ पर जो क्वार्टर 2 के अपडेट्स हैं उनको Xiaomi ने ऑलरेडी रिलीज करना स्टार्ट किया है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर कौन कौन से डिवाइस और रह गए, जिसमें Redmi 10C है, Redmi 10 Power है, Redmi 11 Prime जो 4G मॉडल है उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे कुछ और भी मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिले, Redmi Note 11S वगैरह है, इनका रोल आउट तो खैर स्टार्ट है लेकिन इंडिया में ये जो अपडेट्स है वो देखने को नहीं मिल पाए हैं और Redmi Note 11 जो SE मॉडल है वो भी आपको यहां पर मिलता है। लेकिन यहां पर मैं बात करूं कुछ और डिवाइसेस के बारे में, जिसमें आप देखोगे Redmi K50i, Redmi K50i Pro वो भी इसी लिस्ट में सिलेक्टेड है और यहां पर Poco में जो डिवाइस रह गए हैं जिसमें आप देखोगे C55 है, C65 है, Poco M4 जो 5G है, M6 M6 Pro को ऑलरेडी मिल गया है जो कि 4G मॉडल उनको नहीं मिला, 5G मॉडल्स को मिल चुका है, M6 जो है उसको रह गया है उसको भी अपडेट यहां पर इसी मंथ के अंदर जो है इसका रोल आउट Xiaomi करने वाला है। तो ये जो अपडेट्स है वो यहां पर कब तक मिलेंगे और कौन कौन से बैचेस के हिसाब से ये जो है वो डिवाइड यहां पर किए गए हैं, तो यहां पर जो अपडेट्स हैं वो ऑलरेडी रिलीज किए जा रहे हैं काफी सारे डिवाइसेस के लिए, जिसमें आप देखोगे ये कुछ मॉडल्स रह गए हैं इनको भी अपडेट यहां पर काफी जल्द मिलने वाला है, जिसमें आप देखोगे यहां से ये जो मॉडल्स रह गए हैं जिनको अपडेट यहां पर नहीं मिला है तो उनका जो शेड्यूल है वो यहां पर आप देखोगे मई से जून के बीच में आने वाले। लेकिन अगर मैं Redmi K50i K50i Pro की बात करूं तो ऑलरेडी इसका जो रोल आउट है, इसका जो रीनेम वर्जन डिवाइस है Redmi का, उसको ऑलरेडी अपडेट जो यहां पर देखने को मिला है ग्लोबल में। तो इंडिया की मैं बात करूं तो देखो भाई अभी यहां पर इस मंथ में भी 15 डेज बाकी हैं, अभी यहां पर आज 15 मई हो चुकी है, 15 डेज बाकी हैं तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इस मंथ के एंड तक डेफिनेटली ये अपडेट मिलना चाहिए, वरना जून में तो डेफिनेटली इन डिवाइसेस के अंदर 100% ये अपडेट देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर टू के अंदर ये डिवाइस सिलेक्टेड है। क्वार्टर टू जो है वो यहाँ पर जून के बाद जो है एंड हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर मतलब थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इन डिवाइसेस को अपडेट जो है वो क्वार्टर टू के अंदर ही मिलेगा, ये काफी अच्छी चीज है। और इसका जो रोल आउट है वो शाओमी ने ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, अदर कंट्रीज में ये अपडेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और जो अपडेट्स रह गए हैं उनको भी शाओमी यहाँ पर काफी जल्द रिलीज करने वाला है। तो यहाँ पर रेडमी के जो डिवाइस रह गए जिसमें K50i, K50i प्रो है, और यहाँ पर रेडमी 10 सीरीज वगैरह जिसमें रेडमी 10 है, रेडमी 10C है, रेडमी 10 पावर है, और रेडमी 10 प्राइम है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट काफी जल्द देखने को मिलेगा। और इसको जो अपडेट है वो यहाँ पर एंड्रॉइड 13 बेस्ड डिवाइस है, इनको एंड्रॉइड 13 के साथ ही अपडेट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिनको आप इजिली डाउनलोड करके भी फ्लैश कर पाओगे। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपके पास कौन सा फोन है और आपके फोन में कौन सा वर्जन यहाँ पर चल रहा है, हाइपरोस मिल चुका है या फिर अभी तक हाइपरोस का अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।